पहले ये वीडियो देखें. Turned around and looked right at me. I didn't know if I was seeing things, but it even looked like he smiled at me. Wait, did he want me to follow him? Suddenly, I felt brave. I was going to tell him how I felt. The moment I'd waited for my whole life. ये चैनल जो ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और ये देखिए ये कितने पर मंथ कमाते हैं और ये देखिए ये कितने पर ईयर कमाते हैं. ये इनकी कुछ पावर वीडियोस हैं, ऐसी एनिमेटेड वीडियोस हैं. तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कैसे आप ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं और इस सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके और इनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ. स्टेप नंबर 1, जनरेट वीडियो स्क्रिप्ट. तो स्टेप नंबर 1 पर हमें आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर लिख लेना है ChatGPT, जहाँ पर हम वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे. यहाँ पर हम इसे कर देंगे मोबाइल लाइक की ये देखिए. उसके यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे लिखेंगे राइट. आपको ये नहीं लिखना है कि राइट यूनिक स्क्रिप्ट, बिकॉज अगर आप ये लिखेंगे, सारे लोग ये लिखेंगे, तो सबकी सेम ही स्टोरी होगी. तो आपको इसे कोई कॉन्सेप्ट देना है, लाइक अगर आपको चाहिए, आपको ये भी नहीं लिखना है कि राइट इमोशनल स्टोरी. ये भी सब लिखेंगे तो सबकी सेम स्टोरीज हो जाएंगी, जिनकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा. तो आपको क्या करना है, इसको कोई कंसेप्ट देना है, लाइक अगर आपको देना है कि राइट इमोशनल स्टोरी, तो आपको ये भी बताना है कि कैसी इमोशनल स्टोरी चाहिए. लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है राइट इमोशनल स्टोरी ऑफ टू बेस्ट फ्रेंड. मैंने लिखा है इमोशनल स्टोरी लिखे दो बेस्ट फ्रेंड, टू बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में जो कि लाइक सेपरेट हो जाएं और फिर मिल जाएं, लाइक ऐसा कोई स्टोरी लिखें. तो आपको इसे कॉन्सेप्ट देना है. उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर हम जनरेट वॉइस ओवर करेंगे. जो भी हमने सारी स्क्रिप्ट लिखी है उसके बाद हम यहाँ पर जनरेट कर वॉइस ओवर जनरेट करेंगे. play.ht पर आ जाते हैं. बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये वॉइस ओवर मोनेटाइज होती है या नहीं AI की मदद से जो वॉइस ओवर जनरेट करते हैं. बिल्कुल वो चैनल ज़रूर मोनेटाइज होते हैं, बिकॉज ये जो play.ht है AI टूल, वो रियलिस्टिक वॉइसेस जनरेट करते हैं जिसे YouTube डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये लाइक रियल है या ह्यूमन, ये AI है या ह्यूमन से. लाइक YouTube इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ही रियलिस्टिक वॉइसेस होती हैं. तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सारी स्क्रिप्ट को. उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, हर पैराग्राफ पर क्लिक करके इसे यहाँ पर पहले क्लिक करें, ये जो वॉइस है उस पर क्लिक करें. अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती आप इसे बदल सकते हैं. ये देखें अगर आपको ये अच्छी लगती है, यहाँ पर बहुत सारी वॉइस, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ये देखें अगर आपको ये अच्छी लगती है आप वो सिलेक्ट करें, सारा अच्छी लगती है, जॉर्ज, जेनिफर, रूबी, यहाँ पर बहुत सारी वॉइस हैं, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने सारा की सिलेक्ट कर ली बिकॉज ये लाइक अच्छी थी, वॉइस फ्लेक्सिबल थी, अच्छी थी और लाइक अमेजिंग थी. तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके पैराग्राफ पर प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है. जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारे वॉइस ओवर जनरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, उस पैराग्राफ का वॉइस ओवर. तो ये देखिए यहाँ पर आपको प्ले के बटन पर क्लिक करना है हर पैराग्राफ पर क्लिक करके. ये देखें यहाँ पर जैसे आप जनरेट करेंगे, हमने सारे पैराग्राफ पर क्लिक कर दिया है, जिससे हमें इसे वेट करना होगा. जैसे ये सारे जनरेट हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे. जैसे ये सारे अभी डाउनलोड हो गए, लाइक जनरेट हो गए, अभी हम क्या करेंगे इसे डाउनलोड कर लेंगे. पहले हम चेक करेंगे कि सारे जनरेट हो गए कि नहीं. जैसे सारे जनरेट हो जाए हमें यहाँ पर स्क्रॉल अप करना है, ऊपर आ जाना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे ये भी सही हो के इसे प्ले करके भी चेक करना है कि जनरेट हुए या नहीं, बिकॉज कई बार वैसे ही लाइक आप किसी एक को छोड़ देते हैं तो इसलिए. तो फिर जैसे यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर लिए, यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन देखें, वहाँ पर क्लिक कर दें, तो आपकी ये देखिए ये वाला एक्सपोर्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगी. अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 3, क्रिएट एनिमेशन वीडियो. तो स्टेप नंबर 3 पर हम आ जाएंगे यहाँ पर अडोबी एनिमेशन पर, अडोबी एक्सप्रेस पर आ जाएंगे, जहाँ पर हम अपनी एनिमेशन जनरेट कर लेंगे. एनिमेशन फॉर यूट्यूब पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है. ये देखिए यहाँ पर बटन है क्रिएट नाउ का, यहाँ पर क्लिक कर देना है एनिमेशन जनरेट करने के लिए. तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के बटन पर क्लिक कर देना है अगर आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, बिकॉज वैसे मोबाइल वाले वर्जन में ये ओपन नहीं होगी, तो मैंने डेस्कटॉप वर्जन किया है ताकि ये ओपन हो जाए. तो
तो यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। आप कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के लिए। यहाँ पर बहुत सारे एनिमी कैरेक्टर्स भी हैं और लाइक बहुत सारे ऐसे फनी कैरेक्टर्स भी हैं। ये देखें, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके जैसे ही सिलेक्ट किए, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे हम इसे। ये देखें, इसे हमें सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देना है ऐसे ऐसे। फिर यहाँ करेंगे इसे एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, हमने यूँ कर देना है। उसके बाद इसे सेंटर यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ से ये। उसके जस्ट यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाएंगे। अगर आपको इसका लाइक यहाँ पर साइड पर करेंगे तो यहाँ पर साइज भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको जो बैकग्राउंड चूज़ करना है आप वो कर सकते हैं। मुझे इनका बैक ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसे ग्रीन कर दूँगी, बिकॉज मुझे इसका कलर चेंज करना है। या अगर आपको किसी सीन पर इसे ऐड करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ग्रीन बैकग्राउंड ऐड करने के बाद इसे एनिमेट करने के लिए, जस्ट इसे एनिमेशन करने के लिए आपको जो वॉइस ओवर आपने जनरेट की है वो कम से कम 1 मिनट की होनी चाहिए। वॉइस ओवर जो भी आप सिलेक्ट जनरेट करेंगे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और वो वॉइस ओवर क्लिक कर देंगे इसे जनरेट करने के लिए। स्टेप नंबर 4 पर हम इसे एडिट कर देते हैं और प्रीव्यू करेंगे। इसे एडिट जैसे ही ये जनरेट हो जाए, हम यहाँ पर लाइक इसे साइज चेंज कर देंगे ऐसे। ये देखिए, इस साइज पर ले आए हैं। ये लाइक शॉर्ट वीडियो के साइज पर, बट इसके हैंड थोड़े से लाइक इसके सीन थोड़े से कट रहे हैं, यहाँ से इतने सही सीन नहीं हो रहे इस साइज पर। इससे पहले क्या करते हैं, हम मिरर पर जाकर इसे थोड़ा उधर कर देते हैं। इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ये देखिए नीचे, यहाँ पर मिरर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये उस साइड मुड़ जाएंगे। मुझे उस साइड चाहिए थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर दी। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे ये वाला, ऐड कर देंगे साइज। उसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। इस पर कैप्शन लगाकर बैकग्राउंड चेंज करके इसे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगी। ये देखें, As they grew older, their friendship only deepened. They supported each other through thick and thin, celebrating successes and comforting each other during failures. They had a secret hideout deep in the woods, a small treehouse they had built together. It was their sanctuary, a place where they shared their dreams and secrets. तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।